दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि इस दुनिया का जो बेस्ट कैमरा है ना, वो हमारी आंखें हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि यार, हम ना यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड करते हैं, कैप्चर करते हैं, वो कहीं स्टोर करके ना प्लेबैक कर पाना, मतलब आपको पता है, इम्पॉसिबल है। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ मेरे ख्याल से सेकंड बेस्ट कैमरा, जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। बिकॉज हमारे पास में है ये मेटा और रेबैन की तरफ से आने वाले ये स्मार्ट ग्लासेस, जिनमें कैमरा लगा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। आज इस वीडियो का एक तरह लाइक और शेयर करते हैं, पर हम करते हैं इन्हीं को अनबॉक्स और देखते हैं कि आखिर ये कैमरा कैसा है और हम इससे क्या क्या किस किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ शुरुआत, और रेबैन और मेटा की हमको ब्रांडिंग मिल जाती है। और जैसे ही हम इस पैकेट को ओपन करते हैं, सामने लिखा है लिसन कॉल एंड लाइव स्ट्रीम, यानी कि कैमरे के अलावा और बहुत सारी चीजें हमको इस पैकेट में मिलने वाली हैं। और अंदर हमारे पास में ये रखा है रेबैन और मेटा की तरफ से आने वाले ग्लासेस का बॉक्स। टिपिकल रेबैन के चश्मे की तरह एक केस है, और यही इनकी अच्छी बात है कि दे लुक लाइक अ नॉर्मल पेयर ऑफ ग्लासेस, बट अंदर से बहुत स्मार्टनेस लेके आते हैं। हमारे पास में यहाँ पे साइड में एक क्लीनिंग क्लॉथ है, काफ़ी बड़ा सा है, ये अच्छी बात है चश्मे को साफ रखने के लिए। और यहाँ पे भी रेबैन और मेटा की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इस साइड में, तो आई बिलीव कि कुछ यूज़र गाइड्स वगैरह होने वाली हैं, मस्ट बी सम डॉक्यूमेंटेशन। आपको प्रॉपर सेफ्टी वारंटी की भर भर के सारी ज्ञान की बातें मिल जाएंगी। देन वी हैव, अगर आपको लेंस लगाना है प्रिस्क्रिप्शन वाला, उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स हैं, एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्विक स्टार्ट गाइड। अगर हम बात करते हैं, इधर ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, लाइट जल गई है सामने इस केस में। यहाँ पे आपको LED मिल जाती है टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ मे बी बैटरी या चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे वैसे यहाँ पे USB-C पोर्ट भी है, और एक बटन भी है टू मैनुअली पेयर देम। अदरवाइज काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेदर का एक केस है, टिपिकल जैसा रेबैन का होता है। अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है रेबैन और मेटा। यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा बल्क है, और मेरे ख्याल से ये बैटरी है जो चश्मे को चार्ज करती है। बाकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है। एंड दीज आर द ग्लासेस, आपको पहन के दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा नॉर्मल चश्मा ही तो है। जी हाँ, नॉर्मल चश्मा ही तो है, बट उस तो नॉर्मल चश्मे से कहीं ज्यादा है। हैव अ क्लोजर लुक, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर। मैं पहले ही बता देता हूं कि यहां पे जैसा आपने देखा कि इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल पेयर ऑफ ग्लासेस, और एग्जैक्टली मतलब जो इसका पूरा फ्रेम है, जितना इसका वजन है, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आपने चश्मे के अलावा कुछ और चीज अपने हाथ में पकड़ी है, जहां पे पता नहीं कितने लेवल का इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लगा पड़ा है। इट फील्स लाइक अ स्टैंडर्ड पेयर ऑफ ग्लासेस, उसको यूज करना बड़ा ही ईजी है, जस्ट लाइक आप नॉर्मल चश्मा पहनते हैं। इसको पहनेंगे तो आपको वैसा ही पूरा फील होने वाला है। और यहां पे ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलता है, मतलब फ्रेम जो है वो कुछ केसेस में ग्लॉसी आता है, कुछ केसेस में ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा आता है। जो सामने ये ग्लासेस हैं, ये भी अलग अलग आते हैं। कई बार ये एकदम बिल्कुल ब्लैक वाले आते हैं, कई बार थोड़े से वो ब्राउनिश वाले शेड में आते हैं। मैंने जो ये मॉडल लिया है ना, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि पहली बात तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है फ्रेम का, मेरे को थोड़ा सा, मेरा सिर बड़ा है तो बड़ा फ्रेम चाहिए। दूसरी बात ये है मैट ब्लैक फिनिश में, तो काफ़ी जैसे ब्लेंड हो जाता है किसी भी टाइप के कपड़े में। तीसरी चीज़ वो है इसमें आने वाले ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ग्लासेस, बिकॉज ये ट्रांजिशन लेंसेज हैं, यानी कि आप धूप में निकलोगे तो ये डार्क हो जाएगा, आप अंदर हो तो ये ट्रांसपेरेंट है। और क्योंकि इस चश्मे में कैमरा लगा है भाई, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहनना पसंद करोगे। अब अगर ये चश्मा पूरा काला हो और आप रात को इंडोर्स किसी की वीडियो बनाने के लिए इसको पहन रहे हो, कुछ आपको रिकॉर्ड करना है, तो इट फील्स ऑड कि आपने रात में काला चश्मा पहना। तो इसीलिए मैंने ये वाला मॉडल पर्टिकुलरली चूज़ किया है। और आप जब इसको पहनते हो, अब आपको दिखेगा कि आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा है और कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली क्या सीन है, इस तरफ आपको सामने मिल जाती है एक LED लाइट, ताकि मालूम चल जाए सामने वाले इंसान को कि भैया आप कैमरा को यूज़ कर रहे हो।
बिकॉज वरना लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे इसको पहन के, आपको पता है। यहाँ पे कैमरा है एक्चुअल में एक 12 मेगापिक्सल का, और ये वर्टिकली प्लेस्ड है, यानी कि जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इंस्टाग्राम फ्रेंडली मिलेगा, मतलब आपको ऐसा वर्टिकल टाइप का ये फोटो या वीडियो का आउटपुट देने वाला है। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाता है इसका एक कैप्चर बटन, जिसको अगर आप सिंगल प्रेस करते हैं तो फोटो खींच जाती है। कैसे खींचते हैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको लाइट ब्लिंक होके, और अगर उसको प्रेजेंट होल्ड करते हैं अब वीडियो बनना स्टार्ट हो गया, और ये लाइट आपको ब्लिंक होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे क्लियरली, और मैं इसको दोबारा दबाऊंगा ये वीडियो बंद हो गया। तो यहाँ पे आपको वो बटन मिल जाता है अंदर की तरफ। यहाँ पे हमारे पास में है इसका एक पावर बटन, और एक एलईडी आपको मिलती है एग्जैक्टली यहाँ पे, जो आपको आंख में ना साइड में एक रेफरेंस के लिए दिख जाएगी अगर आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो। बाकी यहाँ पे 5 माइक्रोफोन्स हैं जो चारों तरफ फैले हैं, एकदम अच्छे से ऑडियो कैप्चर करते हैं, और स्पीकर्स भी हैं। आप इनको पहन के फोन कॉल्स ले सकते हो, आप इनको पहन के अपने गाने सुन सकते हो, मतलब सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। और इनफैक्ट यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस इज अ टच पैड, जहाँ पे आप सिंगल टैप डबल टैप से अच्छे से इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब ये क्या कर सकता है आपके लिए, आपको वो बता देता हूँ। ये जो कैमरा है ये 12 मेगापिक्सल का है, और ये रिकॉर्ड करता है वीडियोस 1440x1920 30 FPS पे, और आप एक एक मिनट की क्लिप्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। 32 GB की इसके अंदर इंटरनल मेमोरी है, और जो इसकी कंपेनियन ऐप है, जब आप उसको फोन में इंस्टॉल करते हो तो यहां से आप ऑफलोड कर करके फोन में उनको डाउनलोड कर सकते हो। फोटोज आप खींच सकते हो 12 मेगापिक्सल्स में, और ये सारा काम आप चाहो तो इस बटन को दबा के कर सकते हो, चाहो तो आप सीधा अपने वॉइस कमांड के साथ भी कर सकते हो। एंड द एडवांटेज इज वेरी यूनिक, मतलब आप कहीं पे हो, आपने चश्मा पहन रखा है, यू वेयर इट लाइक योर नॉर्मल ग्लासेस। अब कुछ एक इंटरेस्टिंग सामने चीज हो रही है, आपको अगर वो कैप्चर करना है ट्रेडिशनल फॉर्म में तो आप जेब से अपना फोन निकालोगे, उसको अनलॉक करोगे, या अपना कैमरा खोलोगे, मोड में जाओगे, रियर कैमरा फ्रंट कैमरा से क्या करूँ क्या करूँ, फिर अब तब तक तो मोमेंट हो गया। अब अगर आपने इनको पहना हुआ है, पहने पहने केवल आपको बस ये करना है, इंस्टेंटली वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो मतलब आप सोच रहे हो कि कितना ईजी बन गया है ये, कि आप इनको पहन के अपने आसपास के मूवमेंट्स को बहुत ही तुरंत तरीके से कैप्चर कर सकते हो। बाकी फोन कॉल्स लेना और गाने सुनना और वो सब तो एक अलग बात है ही। एक और उसका एडवांटेज है वो ये है कि ये आपको आपका क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, मतलब जैसा आप देख रहे हैं आप अपने व्यूअर्स के लिए एग्जैक्टली उसी एंगल से उसी तरीके से कंटेंट को कैप्चर कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी यहाँ पे मेटा AI भी है, तो आप इससे बात करते करते पूछ लो कि भैया टाइम क्या हुआ है, या आप पूछ लो कि मौसम कैसा है, या आप बोल दो कि भैया कॉल लगा दो किसी को, तो आपको अपना फ़ोन जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्मार्ट वॉच को पहनने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम इस चश्मे को पहनने के बाद में आपके वॉइस कमांड्स के थ्रू ये चश्मा अपने आप कर देता है, विच मेक्स इट वेरी यूनिक। और इंस्टाग्राम पे बड़े आराम से आपको सीधा ही ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट करने का कुछ, या लाइव स्ट्रीम करने का फॉर एग्जांपल, आप वो भी कर सकते हो इन चश्मे से, और जो भी आपने कैप्चर किया है फिर चाहे आप रील बनाओ चाहे आप स्टोरी डालो कुछ भी करो, वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये सेकेंड वर्जन है इनका, और मैं इनको अच्छा इसलिए बोलूँगा बिकॉज मैंने बोस के ग्लासेस थे उनको ट्राई किया था काफ़ी, आई थिंक 4 साल पहले की बात है, जहाँ पे वो ईयरफोन्स टाइप से यू नो एक्ट करते थे, बट बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे लगता है एक नॉर्मल चश्मे की तरह, और जो प्राइस है वो मेरे को हैरान कर देती है, बिकॉज जैसे इसकी जो प्राइस है वो है $379। अब Ray-Ban का अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का चश्मा ही चाहिए ऐसा वेफेयरर, तो वेयर वही आता है कम से कम 250-300 का, तो समझ लो आपको थोड़ा सा बस आपने एक्स्ट्रा ऐड किया और आपको एक स्मार्ट ग्लासेस मिल गए मेटा की तरफ से, विच मेक्स इट वेरी यूनिक। और ये है गाइज मेटा के स्मार्ट ग्लासेस विद Ray-Ban, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स लेके आते हैं, आप जैसा देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे इसके अलग अलग यूज केसेस हो सकते हैं। तो अगर आप स्पेशली कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैंने तो इनको आजकल अपने नॉर्मल चश्मे को छोड़ के पहनना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज नॉर्मल तो सनग्लासेस की तरह काम करते ही है, और कैमरा है वो एक और अच्छी बात है। एक चीज जो मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी वो है इसकी बैटरी लाइफ, वो ये कि 4 घंटे का इसके अंदर बैकअप है, और अगर आपने इनको पहन के रखा है आप कुछ ना कर रहे हो, मतलब लेट्स से ना आप फोटो खींच रहे हैं ना वीडियो कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टिल इसकी बैटरी ना
बहुत जल्दी नीचे गिरती रहती है, तो आपको बीच बीच में इस केस में रखना पड़ेगा। और ये जो केस है ये आपको अप टू 8 times और चार्जिंग दे देता है। तो डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा केस में रख लो, 10 मिनट आधे घंटे के लिए थोड़ा रिचार्ज कर लो, दोबारा पहन लो। मतलब आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सुबह पहन के निकले हो और शाम तक के लिए भैया पूरी बैटरी है और आप वीडियो वगैरह बना रहे हो। मतलब थोड़ा सा बैटरी लाइफ, बिकॉज अगेन डिजाइन इतना हल्का है, इतना पतला है कि इसमें शायद जगह ही नहीं होगी वो बैटरी लगाने की, तो वो एक पॉइंट हो सकता है। अदरवाइज मैं इसको फुल मार्क्स दूंगा, क्योंकि चश्मा तो रेबैन का आपको पता ही है भैया, अच्छा होता है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जो स्मार्ट फीचर्स आए हैं इसमें मेटा की तरफ से, वो ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से एलिवेट कर देते हैं। तो ये है दोस्तों चश्मा, और आपके लिए सिर्फ वो है एक हेडसअप है कि अगर आप किसी को ऐसा चश्मा लगाते हुए देखें और कहीं पर लाइट वाइट जल रही हो, तो समझ जाना कि भैया कोई वीडियो बना रहा है या कोई फोटो खींच रहा है। मतलब आपको हो सकता है लोग मिले जहाँ पे वो ऐसे चश्मे से अभी कुछ बना रहे हो, तो मतलब हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएं। बट दीज आर द ग्लासेस, काफ़ी स्मार्ट है। और एक दिक्कत और भी है थोड़ी सी, वो दिक्कत ये है कि अगर आप इसको पहन के फ़ोन पे बात कर रहे हो, मान लो मैंने इनको पहन रखा है और मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तो किसी को तो नहीं पता कि मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरे को अप्रोच करता है तो उसको मेरे कानों में कोई ईयरफोन नज़र नहीं आ रहा है, मेरे कान पे फ़ोन भी नहीं है, या ऐसे मैंने स्मार्ट वॉच भी नहीं पकड़ी हुई अपने हाथ में उसको लगे कि मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसको नहीं पता कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा ऑड लग सकता है कि यार ये आदमी पागल हो गया है या क्या हो गया है कि ये हवा में ऐसे बातें किए जा रहा है या क्या कर रहा है। फिर अगर वो आए तो उसको आप थोड़ा समझाओ कि भाई रुको एक बार फ़ोन पे हूँ। तो थोड़ा सा काफ़ी नया एक्सपीरियंस है लोगों के लिए, चश्मा पहन के आप चश्मे से बात कर रहे हो। बट वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये रेबैन के ग्लासेस मेटा वाले। आप बताओ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको लगता है कि इस तरह के प्रोडक्ट और शायद मार्केट में इंटरेस्टिंग तरीके से आगे और बढ़ेंगे? और अगर आपको लग रहा है कि चार्ज कैसे होते हैं, तो ये इसमें यहाँ पे आपकी नाक आएगी ना, इस जगह पे बीच में 2 पिन्स हैं और ये 2 पिन्स यहाँ पे इस जगह पे इन पिन्स में अटैच हो जाती हैं बड़े आराम से। कुछ जब उसको लगाओगे तो इसको ये ऐसे प्रेस करना होता है बस, तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है और चार्जिंग शुरू हो गई। देखो आप लाइट आ गई है यहाँ पे। तो ये है ओवरऑल एक्सपीरियंस, आप बताओ व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।